तो सांस लेने की जितनी ज़रूरत है, अगर सफलता के पीछे आप उतनी ही ज़रूरत से पड़ेंगे तो वो मिल जाएगी। जो आपका सबसे कठिन समय होता है वही आपको सबसे ज़्यादा प्रिय भी होता है। देखी थी मैंने टारगेट से 2014 में प्लेस क्लियर करना था, मेरा एक नंबर से प्लेस नहीं क्लियर हुआ था। यू वॉन्ट टू सी नोटिफिकेशन सीट, यू वॉन्ट टू टॉक टॉक, यू वॉन्ट टू स्टडी स्टडी, आई थिंक। सबसे पहले तो आपका स्वागत है UPSC फॉर यू YouTube चैनल में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कि अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, ताकि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्पिरेंट्स को थोड़ा एक मोटिवेशन मिले और एक गाइडेंस बेहतर मिले। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो भी हमें व्यूवर्स देख रहे हैं तो एक अपना इंट्रोडक्शन, जिससे कि लोग आपके बारे में जान पाएँ। धन्यवाद धन्यवाद, आपने मुझे UPSC फॉर यू फोरम से जो है आपने मुझे आमंत्रित किया, और मैं चाहूँगा कि मेरे द्वारा जो कठिनाइयाँ फेस की गई या मेरे द्वारा जो उन कठिनाइयों से उबर कर सफलता प्राप्त की गई, उससे लोगों को अगर बेनिफिट मिलता है, खासतौर से एस्पिरेंट्स को, तो मैं अपने आप को लकी मानूँगा। मैं अमित कुमार पांडे, PPS 2017 बैच, अभी अंडर ट्रेनिंग के बाद मेरे को पोस्टिंग मिली है वहाँ वाराणसी में। एक्चुअली मैं मेरी तैयारी का सफ़र बहुत लेट शुरू हुआ, और ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए तो ये बहुत मोटिवेशनली होगा कि जिसकी शादी हो जाए, जिसके बच्चे हो जाए, उसके बाद भी वो तैयारी की तरफ मुड़े और उसका सिलेक्शन हो जाए, तो ये एक मतलब प्लस पॉइंट है कि आपके लिए ये बाधाएं, अगर आपको परिवार का सहयोग अगर मिले तो आप इससे उबर कर आगे बढ़ सकते हैं। मैं 2008 में इंजीनियरिंग किया था, पास आउट हुआ था, उसके बाद भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में 2-2.5 साल के आसपास नौकरी किया, उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता रहा। मेरा भेल में हुआ, मेरा BPCL में हुआ, सेल UP पावर कॉर्पोरेशन, MP पावर कॉर्पोरेशन, ऐसे मेरे को भगवान की दया से ठीक ठाक ऑफर्स मिले। उस दौरान भेल मेरे लिए एक बड़ी ड्रीम कंपनी हुआ करती थी, तो मैंने भेल को चुना, या कहा जाए भेल द्वारा मुझे चुना गया। उसके बाद मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ा, तो UPSC के लिए थोड़ा सा टाइम निकल चुका था, फिर भी तैयारी का मोटिव हमेशा UPSC रहता है। देन जब इधर का थोड़ा देखा कि तत्परता, बुद्धि कौशलता और जो आपकी तत्क्षण निर्णय लेने की क्षमता जो है, वो इसका प्रयोग सिविल सर्विसेज में बखूबी किया जाता है, तो फिर मैंने इसको अपना एक लक्ष्य बनाते हुए आगे बढ़ा। इसमें मेरे परिवार का अच्छा खासा सहयोग था, बच्चा भी मेरा उस समय हुआ था, और मुझे बच्चे का भी ध्यान देने के साथ साथ पढ़ाई भी करनी थी, तो मैं ईश्वर के साथ साथ अपने परिवार का भी बड़ा आभारी रहूँगा कि उन्होंने मेरे को, मतलब ऐसे मौके पर जब मुझे पढ़ाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, या मुझे ये कहें कि मुझे नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी करना और परिवार की चीज़ों को भी ध्यान देना, उस दौरान मेरे परिवार द्वारा मतलब अच्छा खासा सहयोग प्रदान किया गया मुझे। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपका जो है भील में हो गया था, फिर उसके बाद आपने कई जॉब्स को जो है स्किप किया, छोड़ा, लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है या एक बचपन से एक ड्रीम होता है कि आप इस सर्विस में जाएं, तो आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई या कैसे, मतलब इस मोड़ पे आप आए? घटना ज़रूर घटित हुई, घटित होने का एक्चुअली रीज़न कभी कभार हम खुद ही होते हैं जी। जैसे कि मतलब मेरे स्वभाव में नीरसता बहुत जल्दी आती है, तो मुझे यदि बहुत डायनेमिक जॉब्स या मुझे इंटरेस्टिंग जॉब्स नहीं मिलती हैं तो मुझे थोड़ा सा असहज महसूस करता हूं मैं। तो भेल में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे लगातार एक ही विभाग में 5-6 साल तक मुझे रहा, और मैंने बदलने की गुजारिश की तो वो गुजारिश एक्सेप्ट नहीं हुई, तो फिर मुझे अपना एक कुछ एक नया एवेन्यू ऐसा चाहिए था जहाँ पर मैं अपने आप को
बेहतर एक इंसान के रूप में समाज में एक प्रतिष्ठा के साथ साथ कुछ लोगों के साथ न्याय भी कर सकूं, ऐसी एक एवेन्यू चाहिए था। तो मुझे ये सिविल सर्विसेज, ख़ास तौर से अगर मुझे उत्तर प्रदेश में ही सेवा करने का अवसर मिल जाता तो इससे अच्छा और क्या ही कहा जा सकता है। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपकी शादी के बाद आपने जो है इस सर्विस की तरफ अपना रुझान बढ़ाया, तो कहते हैं कि जब शादी हो जाती है तो कई पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं, फिर उस हिसाब से आपने कैसे अपना टाइम बचाया, क्योंकि आप साथ में नौकरी भी कर रहे थे, फिर तैयारी कर रहे हैं, फिर एक पारिवारिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा रहा? टाइम मैनेजमेंट में मेरा ये था कि चूँकि फिज़िकल बुक्स को धीरे धीरे डिजिटल मीडिया ने रिप्लेस किया है, और मैंने भी उस क्रम में अपने स्टडी मटेरियल्स को डिजिटल फॉर्मेट में ही रखा। डिजिटल फॉर्मेट्स के फ़ायदा ये था कि मैं कहीं भी बैठूं, मुझे किताब, भारी भरकम किताब या बैग ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मोबाइल खोला या टैब खोला, लैपटॉप खोला, पढ़ना शुरू कर दिया। ऑफिस मेरा चूँकि 5:30 बजे तक ख़त्म होता था, तो मैं अपनी स्टडी ऑफिस आवर्स को बढ़ा के करीबन 9-9:30 बजे तक रखता था, तो मुझे 3-4 घंटे ऑफिस के बाद लाइब्रेरी या फिर मुझे ऑफिस में बैठने का मौका मिलता था तो मैं ऑफिस में बैठ के पढ़ लेता था, उसके बाद घर जाना या किसी अन्य चीज़ों को करना। तो पढ़ाई मैंने बेसिकली ऑफिस आवर्स के बाद ज़्यादा फ्रूटफुल की है। अच्छा, बेसिकली अभी हमारे ये चैनल पे यूपीएससी फॉर यू पे कई ऐसे कमेंट आते हैं या मैसेजेस आते हैं कि सर जॉब के साथ जो है इसकी तैयारी कैसे करें या इसको कैसे मेंटेन करें, तो उनके लिए कोई मतलब टिप्स या आप कुछ गाइड करना चाहें, क्योंकि बहाने तो कई लोगों के पास होते हैं कि ये ऐसा चल रहा है तो ये चीज़ नहीं हो सकती है, तो क्या आपके पास भी कोई बहाना था या आपने उस बहाने को नज़रअंदाज किया? एक इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, जिंदा रहने के लिए, इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो सांस लेने की जितनी ज़रूरत है, अगर सफलता के पीछे आप उतनी ही ज़रूरत से पढ़ेंगे तो वो मिल जाएगी। तो मतलब इसको मैं अगर बहुत और आसान तरीके से बोलूं, तो आप किसी भी कार्य को अगर करने के पीछे अगर जाते हैं तो आपके लिए समय मिल जाता है, कहीं ना कहीं से निकालेंगे आप, सोने से पहले, सुबह उठने से, मतलब जो आप टाइम है उसको चेंज करेंगे, ऑफिस से पहले, मतलब आपके पास एक ऐसा टाइम का एक ड्यूरेशन आपके ज़रूर निकल आएगा जहाँ पर आप अपने जिस भी अगर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य की तरफ आप 1 घंटे से शुरुआत करके आधा 1 घंटे से 2-4 घंटे तक आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। मैं बशर्ते आपकी नौकरी ही अगर 15-16 घंटे की है तो फिर नहीं कहा सकता, क्योंकि फिर आपको अपने एक हेल्दी लाइफ के लिए आपको कुछ टाइम स्वयं को भी देना पड़ेगा। जहाँ तक स्टडी करने की बात है तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि डिजिटल मीडिया में आपको समय की कोई पाबंदी है, आप मोबाइल उठाइए और पढ़ना शुरू करिए जो पढ़ना मन चाहो। अच्छा, अभी आपने बताया कि 2008 से जो है आपने प्रॉपर वे में अपनी हिस्ट्री तैयार की, मतलब स्टार्ट की, तो मतलब आपके जो है 2008 से लेकर 2022 के बीच में हम अगर जो पूछें कि आपका बेस्ट पार्ट कौन सा था, तो उसमें आप किसको सिलेक्ट करेंगे, किस ईयर को सिलेक्ट करेंगे? व्यक्तिगत रूप से जो आपका सबसे कठिन समय होता है वही आपको सबसे ज़्यादा प्रिय भी होता है। जैसे कि 2008 से 2011 तक मैं भारत अर्थ मूवर्स में रहा, उस दौरान कैरियर के नए नए तरीकों से मैं अपने आप को रूबरू कर रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, गुजरात के, आंध्र प्रदेश के, बेंगलोर के कई कई एरिया में मुझे जाना पड़ता था, तो मुझे भरी गर्मी में जिस एनवायरनमेंट में मैं रहने का बहुत बड़ा आरामदायक जो मुझे एनवायरनमेंट घर पे मिलता था, उस एनवायरनमेंट को छोड़कर आप किसी ऐसी सर्विस में जाएं जहां पर आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो तो आपका एक्सपोज़र भी बढ़ता है, वो एक पार्ट था जिसको मैं मानता हूँ कि वो मेरी लाइफ का सबसे लर्निंग फेज था और मैंने उस पीरियड को बहुत इन्जॉय किया। बशर्ते जब आप कठिनाइयों से गुजरते हो तो आपके पास कुछ आराम का समय भी होता है, वो आराम का समय ऐसा होता है कि आप अपने आप को लेथार्जिक बना देते हो आराम में, इफ़ यू हैव सफिशियंट टाइम टू एंजॉय यू विल बिकम लेथार्जिक। ऑन दैट फ्रंट
जब मैं भेल में था तो आई गॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद माई कैरियर। एज सुन एज आई रियलाइज्ड कि द लाइफ डायरेक्शन ऑफ द लाइफ इज़ नॉट मूविंग टूवर्ड्स वॉट आई एम डिज़ायरिंग, तो फिर मैंने अपना रूट चेंज किया। अच्छा, उस दौरान जो मेरे कठिनाइयों का दौर, अगर मैं उसको बोलूँ तो कठिनाइयों का दौर इतना था कि मैं जो चाहता था मैं उसको पाना चाहता था। द लड़ाई, जो वो लड़ाई थी, स्थितियाँ और एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच का टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत चैलेंजिंग था, और आई रियली इन्जॉयड दैट चैलेंजिंग टाइम। आज के डेट में मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट उस परेशानी से गुजर रहा है, और सबसे ज़्यादा वो उसी पीरियड को याद करेगा कि उसने उस दौरान क्या खाया, क्या पिया, कैसे रहा, कैसे पढ़ाई की। और तमाम सर्विसेज तो होती रहती हैं, लेकिन जो चैलेंजिंग टाइम होते हैं वो आपको हमेशा याद रहते हैं, और उससे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, अभी आपने बार बार एक शब्द यूज़ किया कि डिजिटल होना, डिजिटल होना। तो जितना हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ ऐसी कई चीज़ें हम लोगों को मन भटकाने वाली भी चीज़ें सामने आती रहती हैं। ऐसे मान लीजिए पढ़ रहे हैं किसी टाइम पे, तो मैसेज आया किसी का या कोई नोटिफिकेशन आया, तो जस्ट हम लोगों ने उसको तुरंत ओपन कर लिया। तो इन सारी चीज़ों से आप कैसे बचते थे? ये क्या आपके साथ में ऐसी कोई चीज़ थी, या कैसे इसको स्किप करते थे? इट्स योर चॉइस टू डू वॉट टू डू। यू वॉन्ट टू सी नोटिफिकेशन, सी इट। इफ यू वॉन्ट टू टॉक, टॉक। इफ यू वॉन्ट टू स्टडी, स्टडी। नथिंग एल्स। बट मतलब इट इज़ नहीं मेरे, मैं आपको बताऊँ, टिल माई प्रिपरेशन आई डिड नॉट यूज़ व्हाट्सएप, आई डिड नॉट यूज़ व्हाट्सएप। जैसे कई लोग ऐसे नहीं होते हैं तो दे हैव ऐसे टू, दे लोग हैव टू लिमिट देयर टाइम, दे हैव टू लिमिट देयर कम्युनिकेशन टाइम एट लीस्ट। बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ करेंटली एन IPS, एक बार की बात है कि मैं उसके घर उससे मिलने गया था। मैं बाहर दूसरे प्रदेश में जॉब करता था, तो मैं उस वो लखनऊ में बैठ के तैयारी करता था। तो उस दौरान मैं उससे मिला, और उसने मेरे को बोला कि भाई मेरा तुम टाइम खा रहे हो, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं तुमसे सिलेक्शन के बाद बात करूँगा। ही गॉट सेलेक्टेड इन दैट ईयर ओनली, और उसके बाद में हमने बात किया। तो फॉर दैट 1.5 ईयर्स ही कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड विद देयर फ्रेंड्स, विद हिज फ्रेंड्स। तो आप समझिए कि द डेडिकेशन वॉट वन वॉन्ट्स, ही विल, इफ ही विल चूज टू डू दैट, ही विल डू इट। नहीं, आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। लेकिन आपके में कुछ ऐसी चीज़ अलग थी या आपने उसको बिल्ड किया? भाई देखिए भाई, मैं इस लाइन में जब आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको हमेशा लाइफ में मिलेंगे तैयारी करने के दौरान, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ को हमेशा चैलेंज करते हैं। चैलेंज इन द सेंस, आइदर दे विल मेक यू फील कि आप उनसे इन्फीरियर हो, और इन अनदर अनदर वे दे विल ट्राई टू डीमोटिवेट यू बाई सेइंग कि दिस एग्ज़ाम इज़ सो मच टफ दैट यू कैनॉट क्लियर। दीज आर द टू थिंग्स विच एवरी वन, आइदर इन द मुखर्जी नगर, करोल बाग, इलाहाबाद, लखनऊ, वेर एवर, जहाँ पे कंपटीशन के कैंडिडेट्स आते हैं, वहाँ पर ये चीज़ आप पाएंगे कि आपको इस दो टाइप के लड़के मिलते हैं। तो आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पर फोकस करते हुए, इन सारे डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स को हटाते हुए, अपने फोकस के प्रति, अपने एग्ज़ाम, अपने सक्सेस के प्रति डेडिकेटेडली अगर आप एफर्ट मारेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से भगवान आपके साथ अन्याय करेगा। भगवान मैंने इसलिए बीच में लाया क्योंकि गीता में बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत सार्थक लिखा हुआ है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल देने वाला ऊपर है, आप कर्म करिए, सिर्फ कर्म करिए और ईमानदारी से कर्म करिए। अच्छा, आपने गीता का नाम लिया, तो कई लोग जो है कई मोटिवेशनल बुक्स प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए, या कई सारी चीज़ें अलग अलग सोर्सेज हम लोगों को रास्ते में मिल जाते हैं, लेकिन आपने गीता को ही क्यों सिलेक्ट किया? गीता यथार्थ है आपकी, नॉट ऑन द रिलीजियस फ्रंट, बीइंग अ प्रैक्टिकल एज वेल एज आज के समय में तो कॉरपोरेट वर्ल्ड भी इस चीज़ को बहुत मानता है कि भागवत गीता में जो लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकल
इस पूरे वर्ल्ड में अगर आपको प्रैक्टिकल जीवन बिताना है तो दिस इज़ द बुक जो आपको धार्मिकता से जोड़ते हुए यथार्थता में विश्वास कराती है। भागवत गीता हमारे देश की संस्कृति, हमारे भविष्य के लिए एक विरासत है। और भागवत गीता ना उसको आप सिर्फ एक किताब ना समझें, वो एक जीवन जीने का ढंग है। तो यदि भविष्य में आप कभी भी अपने दिशा, अपनी जो निर्धारित दिशा है उससे अगर आप विपरीत जाते हैं तो भगवद गीता आपको ज़रूर मदद करती है। और जैसा कि आपने खुद मेरे को परिचय कराया, एक ऐप कर्मसू ऐप है, उससे यदि जो भी व्यक्ति इच्छुक है संस्कृति पुराण और हमारी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का इच्छुक है तो वो उस पुस्तक, उस ऐप का प्रयोग करके अपने मतलब धार्मिकता को वो उजागर कर सकता है, अपने धार्मिकता, अपने जीवन में धार्मिकता को ला सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जीवन को जीने के लिए आपको कर्म पर विश्वास करना है और ईश्वर पर आपको एक ऐसा विश्वास होता है, ईश्वर के ऊपर आप ऐसा विश्वास रखिए जो कभी भी डिगे ना, ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता। आप कर्म करिए, ईश्वर आपको फल देगा। तो कर्मसू ऐप आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है। आपने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि कर्म करो, कर्म पे विश्वास करिए, लेकिन सबकी मेंटेलिटी एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि कई लोग जो है निराश हो जाते हैं। मैंने आपके बारे में सुना कि आपने कई जॉब्स को स्किप किया, तो पहले तो आप प्लीज़ आप उनको बता दीजिए कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे हैं, किन किन जॉब्स को स्किप करते हुए हैं। मैं 2008 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद मैंने भारत अर्थ मूवर्स में काम किया करीबन 2011 तक। 2011 से 2019 तक मैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के साथ जुड़ा रहा। उसके बाद 2015-16 में मैंने तैयारी शुरू किया था। 16 में मेरा सिलेक्शन नायब तहसीलदार पद पे हुआ था। 2016 का ज्वाइनिंग 2019 में हुई जी। तो मैंने नायब तहसीलदार पद ज्वाइन किया। उसके पीछे बहुत सिंपल सा कारण था कि प्रशासन, पुलिस या अन्य ऐसे विभाग जो आपको जनता से रूबरू कराते हैं, जनता की समस्याओं से रूबरू कराते हैं, तो आपके पास आपकी बौद्धिक क्षमता, तत्क्षण निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो विकसित भी होती है और आप उसका प्रयोग न्याय देने के लिए कर सकते हैं। तो मेरा एक ओरिएंटेशन भी इस तरफ था, तो मुझे नायब तहसीलदार पद काफ़ी आकर्षित लगा, तो मैंने ज्वाइन किया था उसको। उसके बाद मेरा सिलेक्शन 2017 में डिप्टी एसपी पद पे हुआ, पुलिस उपाधीक्षक। तो मैंने 2017 की ज्वाइनिंग मेरी 2021 में हुई, तो मैं करीबन 1.25 साल ट्रेनिंग करने के बाद जो है मैं डिप्टी एसपी पद पे हूँ यहाँ पे। लोग निराश जल्दी हो जाते हैं। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम्स दिए थे, फिर आपका सपोज डैट आपको सिलेक्शन नहीं होता, तो आपके मन में भी वही चीज़ आती कि निराश होना संभव था। तो क्या आप इस चीज़ पे अडिग रहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। 2014 में मैंने सबसे पहला पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था। 2014 में मेरा फोकस सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना था, सिर्फ एक प्रीलिम्स क्लियर करना था। मैंने बहुत तैयारी, आगे की लड़ाइयाँ मैंने नहीं देखी थी, मैंने टारगेट से 2014 में प्रीलिम्स क्लियर करना था। मेरा एक नंबर से प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, मेरा कट ऑफ एक नंबर से क्लियर नहीं हुआ था। मेरे एक साथ में एक और सज्जन तैयारी करते थे, उनका मेरे एक नंबर कम होने के बावजूद उनका सिलेक्शन हो गया था कैटेगरी में। कुछ लोगों के लिए निराशा का विषय होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी आशा थी कि मैं पहले प्रयास में कट ऑफ को बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंचा था। और हालांकि मैं इस चीज़ को भी मानता हूं कि वो अगर मेरा क्लियर हो जाता तो शायद मैं अति आत्मविश्वास में अगली बार कोई गलती कर सकता था। मैंने उस कमी को दूर करते हुए अगले साल बहुत ही ज़्यादा अंतर से कट ऑफ क्लियर किया। ये सभी के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब आपको कोई ना कोई असफलता देखनी पड़ती है, तो वो असफलता
आपके प्रयासों का प्रतिरूप है। आपने जितने प्रयास किए हैं आपको उतना ही फल मिलेगा। ये सापेक्ष भी होता है कि क्या आपने उतना परिश्रम किया जितना सफलतम कैंडिडेट है। तो ये एक बहुत ही सापेक्षता है, और सापेक्षता में आप हमेशा इस चीज़ को आप समझिए कि ये एक कट थ्रोट कंपटीशन है। कट थ्रोट कंपटीशन में आपके पास गलती करने का कोई भी मौका नहीं है। आप गलती मत करिए, आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल आपने सही बात कही। तो लास्ट में अगर जो आपका कोई मैसेज, जैसे कि या आपका कोई एक ऐसा कोट जो आपको सबसे प्रिय हो और आप लोगों को भी एक संदेश देना चाहते हो। एक इंग्लिश का कोट है, मैं आपको कोट बताता हूँ, मैंने उसको अपने वॉलपेपर पे लगाया था। व्हेन यू वांट टू सक्सीड एज बैड एज यू वांट टू ब्रीथ देन यू विल बी सक्सेसफुल। दिस इज द कोट। इफ यू वांट टू गेट अ लाइफ यू वांट एयर, यू वांट नथिंग अदर देन एयर इफ यू वांट टू गेट लाइफ। द ओनली थिंग, ओनली डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पर्सन इज द एफर्ट एंड द होप। इफ यू आर अ पर्सन हु इज लूजिंग होप ऑन ए वेरी स्मॉल डिफीट, देन द कंपटीशन इज नॉट फॉर यू। आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। मोटिवेटेड रखने के लिए आपको सक्सेस स्टोरीज पढ़ने के बजाय आपको अपनी खुद की स्टोरी बनाने पर विश्वास कर रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपनी कमियों के एनालिसिस करनी पड़ेगी कि आपकी कमियां कहां रहीं। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि कोई आदमी को सफलता ना मिले और उसने कोई कमी ना की हो। तो कमी तो आपने ज़रूर कहीं की है, या पढ़ने में, या स्टडी मटेरियल में, या नोट्स बनाने में, या टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज करने में। तो आपको उन कमियों की समीक्षा करिए। मुझे नहीं लगता कि सफलता आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल पे दिया, और हम आशा करते हैं कि लोगों को भी इंटरव्यू है वो पसंद आया होगा, और इन फ्यूचर भी हम लोग जो है लोगों के लिए बेहतर कार्य करते रहेंगे ताकि उनको एक गाइडेंस मिले और एक सपोर्ट मिलता रहे हमारी तरफ से। मैं आपके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को यह संदेश देना चाहूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी गलतियों की समीक्षा करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ईश्वर के ऊपर अडिग विश्वास रखिए, और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। इस सारे प्रयासों के बाद आपसे सफलता दूर नहीं रहेगी। मैं हमेशा ओपन हूँ आपकी किसी भी मदद करने के लिए। आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।